आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। निर्मल सदन छिपीटोला में मुनिश्री 108 वीर सागर महाराज के मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष कक्षा चल रही है। इस धर्म कक्षा में भक्त जन शामिल होकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। निर्मल सदन छिपीटोला में मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज के मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष कक्षा चल रही है। इस धर्म कक्षा में भक्त जन शामिल होकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। महाराज जी जो वीर सागर महाराज जी जो मूक माटी पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा ग्रंथ है जो मुनिश्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा रचित है और उसको पढ़ करके जो काव्य रूप में लिखा हुआ है ऐसा हमने पहली बार ऐसा ग्रंथ पढ़ा है और इतना अच्छा लग रहा है इतना आनंद आ रहा है और इसकी हम आपसे कल्पना भी नहीं कर सकते। निर्मल सदन में मूक माटी की क्लास चल रही है हमारी। मूक माटी में महाराज जी बता रहे हैं हम कौन है हमारी आत्मा कौन है चेतन के बारे में बता रहे हैं हमें तो हम आध्यात्मिक रूप से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की धर्म कक्षा में भाग लेने आई बबली जैन ने बताया कि उन्हें पहली बार मूक माटी ग्रंथ को पढ़ने का मौका मुनिराज के सानिध्य में मिला है। आज महाराज जी ने चेतन के बारे में हमें बताया है। माटी की ऊपर क्लास चल रही है। वीर सागर महाराज जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ और आत्मा एक है सबकी अलग अलग है ये चेतन क्या है ये इसके ऊपर आज उन्होंने बहुत समझाया था कि आत्मा सबकी एक है उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। ये सीख मिली है कि महाराज श्री माटी से हमें कुंभकार बनने की बता रहे हैं। तो पहले हमें माटी गीली होती है माटी को छानना होगा उसमें से हमें कंकड़ निकालने होंगे फिर माटी कोमल हो जाएगी उससे वो कुंभकार कुंभ बनाएगा पर फिर उसके बाद कुंभ की जो शेप देता है ऊपर से ऊपर बनाने में तो कलश को बनाने में तो वो कुंभकार जब शेप देता है तो ऊपर से ठोकता भी है उसको बनाने में तो पर ये ठोकता नहीं है वो जैसे हमारे गुरु नीचे अपने शिष्य को लाइन पर लाने के लिए हमें मतलब ये हमें लाइन पर लाने के लिए मतलब प्रेरित करते हैं। मुनिराज जी की धर्म देशना को सुनने के लिए शहर भर से भक्त निर्मल सदन पहुंच रहे हैं। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।